अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन सिस्टर्स। और आज मैं सब्जी लेने निकली ही थी बाहर कि इतनी तेज़ बारिश होने लगी। वैसे तो जमशेदपुर में धूप और छाँव का मौसम ही चल रहा है, बारिश इतनी अच्छे से हो नहीं रही है। तो यहाँ मैं फल वाले स्टोर पे खड़ी हो गई थी और देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल काले और घने बादल थे और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। और जब बारिश रुक गई तो हम लोग गए थे बाटा के शॉप पे, अम्मी के लिए सैंडल लेनी थी। और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के सैंडल्स आए हुए थे। हमने सोचा था कि शायद मानसून में थोड़ा डिस्काउंट वगैरह ऑफर चल रहा होगा, बट ऐसा कुछ ऑफर नहीं था यहाँ पे। तो सिर्फ अम्मी ने अपने लिए सैंडल ली और हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। बट काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैरायटी और क्वालिटी तो आपको पता ही है कि बाटा की कितनी अच्छी होती है। तो अम्मी ये ट्राई कर रही थी सैंडल्स अपने लिए। क्या लिए और कुछ देंगे? और आज बन रहा है घर में धुसका, झारखंड स्पेशल। और इसकी रेसिपी इसकी वाली नहीं, हम लोग इंस्टेंट वाला का शेयर किया था ना मम्मी अपने चैनल में, इंस्टेंट वाला बनाए थे। ये वाला नहीं, ये दाल से बना है, दाल और चावल, जो ऑथेंटिक झारखंड का धुसका रेसिपी है उसी रेसिपी से। चावल, चना दाल और थोड़ा सा उड़द का दाल, ये देखिए अपने से भी डिज़ाइन हो जाता है। देखिए डिज़ाइनर दाल जरा सा डालने से बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ जाता है इसमें। हाँ, उड़द का दाल डालने से चिकनापन भी हो जाता है और टेस्ट भी आता है। अब मैं इन्जॉय करने जा रही हूँ अपनी ये कॉफ़ी और यहीं पे आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथ ही कमेंट भी करिए कि आप लोगों को और क्या देखना है, कैसे ब्लॉग्स देखने हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।